अचानक से आ रहे हैं शादी के रिश्ते वंदना के लिए। वंदना जी, मैं आपसे मिलने पहली फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ रहा हूँ। बेखबर राजेश सोच में पड़ गया कि ये हुआ कैसे। आइए देखते हैं क्या है ये ट्विस्ट वागले की दुनिया में। अरे भुकड़े, क्या तेरा भी दिखा। वाह, अरे ओ पप्पी कुमार, कब तक हम लोगों के टिफिन सूंघ सूंघ कर इस तरह उस पर हमला करते रहोगे। लाओ ना अपना टिफिन, हाँ वो खाओ ना। सर आज मेरा टिफिन खाली है। दासानी सर, आप शादी क्यों नहीं कर लेते, फिर आपकी रोज रोज की ये टिफिन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। गुड सजेशन ना। सेम टू यू ईशा। शादी के लिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। 10 मैट्रिमोनियल साइट पे मैंने प्रीमियम मेंबरशिप खरीदी हुई है, लेकिन आज तक कोई बात नहीं बनी। टेंशन मत लो दासानी, इस बार बात बन जाएगी, मेरा आशीर्वाद है, तथास्तु। अरे मुंह मीठा करो। थैंक यू सर। ये बात चमत्कार हो गया सर। आपका आशीर्वाद काम कर गया। एक मैट्रिमोनियल साइट से मुझे एक रिश्ते का प्रपोजल आया हुआ है। क्या बात है, और एक लड्डू खाओ, शादी हो भी जाएगी तुम्हारी। आप भी देखिए ये। हाँ भाभी है। तुम्हारी नहीं, हमारी भाभी है। नहीं अरे दिखा रे। सर ये तो वंदना भाभी की प्रोफाइल है। क्या? हाँ। वंदना का प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पे। मेरा ना अर्जेंट काम है तेरे साथ। वो मेरी सहेली है ना अमन नगर की, सुमित्रा। सुमित्रा याद है ना? तू अपने दिमाग को ज्यादा जोर मत डाल, तू नहीं मिली है उससे कभी, लेकिन उसकी बेटी है दीपाली। मैं उससे भी नहीं मिली हूँ माँ। तो मैंने कब कहा तू उससे मिली है? देख वो ना बहुत शर्मीली है, तो वो आजकल वो इंटरनेट पे वो शादियां जमाते क्या बोलते हैं वो साइट, मैट्रिमोनियल वेबसाइट। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे ना उसका प्रोफाइल रजिस्टर करना है, तो 12 बजे से पहले रजिस्टर करना है, तो फ्री हो जाएगा, वरना ना 5,000 रुपये भरने पड़ेंगे। देखना उसका वो प्रोफाइल जरा मदद कर देना उसे। माँ मुझे ना अभी अर्जेंटली अथर्वा के स्कूल जाना है, उसकी कंप्लेन आई है तो वो। अरे वंदना उसकी कंप्लेन तो रोज आती रहती है, सर 10-5 मिनट देना बेटा प्लीज। देख सुमित्रा का फोन आ गया। हेलो सुमित्रा। हेलो राधिका, तूने अपनी बहू से बात की? हाँ हाँ मैंने उससे बात की ना। अरे वो ना चुटकी में तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके देगी, एक मिनट बात कर उससे। ले ले सुमित्रा का फोन। हाँ डी, मुझे दीपाली का अर्जेंट प्रोफाइल बनाकर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे सबमिट करना है, जरा बता बेटी कैसे करूँ। आंटी आंटी एक सेकेंड, स्कूल से फोन आ रहा है, स्कूल से फोन आ रहा है। हाँ मैम। हाँ मैं बस निकल गई हूँ मैम, मैं ऑटो में ही हूँ, 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। बात कर। सुनिए वो रोड पे ना बहुत ट्रैफिक है, 10-15 मिनट लग जाएंगे। हाँ हाँ तू बात कर। हाँ हाँ आंटी, वो फोन पे ना प्रोफाइल कैसे बनाना ये समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो मैं एक काम करती हूँ, मेरे मेल पे मेरा पुराना प्रोफाइल होगा वो मैं आपको भेज देती हूँ एज अ सैम्पल, आप सेम फॉर्मेट पे दीपाली की डिटेल्स भर के उसका प्रोफाइल बना के रजिस्टर करवा दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बेटी। सॉरी आंटी मुझे निकलना है, थोड़ा जल्दी में हूँ। माँ आपको सुमित्रा आंटी दीपाली का ईमेल आईडी भेजेंगे, आप मुझे भेज दीजिएगा तो मैं उसको प्रोफाइल भेज दूँगा। बाय बाय। घूर क्या रहे हो राज, कान पकड़कर पूछो ऐसे क्या हरकत की है इसने। डैडी दरअसल मेरे फ्रेंड को छुट्टी चाहिए थी, उसने अपने मम्मी के मोबाइल से टीचर को मैसेज किया और टीचर ने उसको छुट्टी दे दी। तो इस पूरे छुट्टी कांड में आपकी क्या भूमिका थी? वो दोस्त को उसकी मम्मी के मोबाइल से टीचर को मैसेज करने का आइडिया मैंने ही दिया था। बोलो। और मेरा स्टूपिड दोस्त वो टीचर का रिप्लाई डिलीट करने ही भूल गया और उसी मम्मी ने उसकी चीटिंग पकड़ ली। चार झापड़ पड़ने चाहिए तुझे अथर्वा,
अतर बेटा, खबरदार जो अब ऐसा आइडिया किसी और को दिया। नो, वेरी बैड। लेकिन जब कोई मेरी मदद मांगता है तो मैं तो सिर्फ हेल्प करता हूँ। हेल्प हेल्प में फर्क होता है बेटा, हेल्प करने से किसी का फायदा होना चाहिए। वंदना। हाय मम्मी। वंदना सुनना, सुमित्रा ने ना तुझे थैंक यू बोला है। तेरी हेल्प की वजह से ना उसके 5,000 रुपए बच गए और उसकी बेटी का वो प्रोफाइल जो मैट्रिमोनियल साइट पे डालना था वो भी रजिस्टर हो गया। देखना उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। कमाल है, आजकल के लड़के लड़कियां शादी के पहले ही अपना फोटो इंटरनेट में डाल के रख देते हैं। अरे ऑल ओपन, नो सीक्रेट, नो थ्रिल, हाउ कम? अरे हम लोगों के जमाने में लड़के लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तरस जाते थे और कभी कभी तो शादी के दिन ही घूंघट उठाने के बाद ही एक दूसरे का चेहरा देख पाते थे। दादा दादी, आप दोनों ने एक दूसरे को पहली बार कब देखा था? इनसे पहले ना 4 रिश्ते आए थे मेरे लिए। लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आया। लेकिन जब मुझे देखा तो पहली बार लव एट फर्स्ट साइट। बोलो ना। अच्छा मॉम डैड, आप लोग एक दूसरे को मिलने से पहले कितने लड़के और लड़कियों को मिले थे? अरे राजेश के लिए तो कितने रिश्ते आए थे पता है? 6 लड़कियां तो दादर की थी, वो गौरी याद है राजू? गौरी कारखानिस। अरे उसकी माँ तो ना मेरे पीछे पड़ गई राजू के रिश्ते के लिए। अरे उसका बाप तो डंडा लेके मेरे पीछे पड़ गया था। पुरानी बात है। मम्मी, आई थिंक डैडी इज हाइडिंग समथिंग। क्या क्या? मम्मा टेल अस नाउ, डैड से पहले आपकी शादी के लिए आपको कितने प्रपोजल आए थे? एक भी नहीं। प्रपोजल आने से पहले मैंने ही सिलेक्ट कर लिया मम्मी को, चैप्टर क्लोज। ओह सो सैड, बेचारी हमारी मम्मी को कोई चॉइस ही नहीं मिली। एक्सक्यूज मी सखी, सॉरी सॉरी, इट्स ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओए क्या बेटर लक नेक्स्ट टाइम, देयर इज नो नेक्स्ट टाइम। ओके तुम्हारी मम्मी के लिए मैं ऑल टाइम बेस्ट हूँ और मेरे लिए तुम्हारी मम्मी ऑल टाइम सुपर डुपर बेस्ट है। केस क्लोज। चलो पानी कितना पियोगे, चलो खाना खाओ। कब बंधु? 6 बजे का अलार्म रखता हूँ। ओके okay. लेकिन कल सैटरडे है ना, कल ऑफिस जाने की जल्दी है नहीं, तो 6:30 का रखता हूँ। ओके okay. वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मेट्रो का काम चल रहा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, संडे हो या मंडे मुझे लगता है 6 बजे का ही रखता हूँ। ओके okay. क्या तुम बार बार में ओके ओके कर रही हो, कभी तो नॉट ओके बोलो ना, मेरा विरोध करो। राज माँ जिस गौरी कारखानिस के बारे में बात कर रही थी ये वही है ना जो हमें कुछ महीने पहले मॉल में मिली थी? ना 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 ना, वो मीनाक्षी बॉबकट मीनू गोवा में सेटल होगी। वाव। और ये गौरी ये न्यूजीलैंड में सेटल हुई? कनाडा, शी इज इन कनाडा, वहां पे वो डॉक्टर है। एकदम चिक चिकनाट पानी है वो यहाँ पे। माँ एक और लड़की के बारे में बात करी थी, कोकणस्थ कन्या, मोरनी की तरह बलखा कर चलती थी है ना? केतकी भावे। हाँ। I'll show you. अच्छा। वो अभी भी ऐसे मोरनी की तरह बलखाते हुए चलती है। वो उन दिनों ना शिवाजी पार्क में वो जॉग भी ऐसे करती थी और सब लड़के हम लोग पीछे से टू टू ए राजेश चिल्लाते थे। ये मोरनी के जंगल में सेटल हुई है? पुणे में। सुराज, दादर की सारी लड़कियां कहां कहां सेटल हुई है सब पता है ना तुम्हें? मतलब सब अभी भी टच में है तुम्हारे साथ है? नहीं ऐसे क्या, दादर का हमारा पुराना ग्रुप है ना तो उसमें ये अपडेट्स आते रहते हैं डायरेक्टली, वैसे मैं किसी के भी टच में नहीं, इनफैक्ट कॉन्टेक्ट में भी नहीं। अच्छा, वैसे माँ तुम्हें रिश्ता भेजने वाली दादर की सारी एक्स लड़कियों को बहुत याद करती। तुम भी कहाँ मम्मी की बातों में आ गई, तुम्हें तो पता है ना मम्मी को बिना वजह हर बात बड़ा चढ़ा कर बोलने की आदत है, एक का चार करती है वो, सो प्लीज मम्मी की बातों को तो भूल ही जाओ। ओके मेरी बात सुनो, मेरे लिए तुम ही मेरी फर्स्ट और लास्ट चॉइस थी
हो और रहोगे, और सिर्फ इस जन्म में नहीं अगले 7 जन्मों तक। अच्छा बंधु रानी, बताओ ना कल सुबह कितने बजे का अलार्म लगाओ? जो मन में आए रख लो। ठीक है, तो 6 बजे का ही रखता हूं। अच्छा सुनो ना बंधु रानी, एक खास बात बताना तो मैं भूल ही गया। आई लव यू। बाप रे, मामला काफी पेचीदा हो गया है। राज, क्या हुआ? इस वक्त फोन भी नहीं किया तुमने। तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ सब ठीक है ना? मैं चाय बना कर आती हूँ। हाँ रुको बंधुरानी, एक बात मुझे सच सच बताओगे? हाँ पूछो ना, क्या बात है? तुम मुझसे खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स राज, ये कैसा सवाल कर रहे हो तुम? मतलब मेरी किसी गलती की वजह से तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं, पर हुआ क्या है बताओ तो मुझे। अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हो? कौन सा फैसला ले लिया मैंने? राज क्या पूछ क्या रहे हो? तुम्हारा ना हर सवाल मुझे डरा रहा है। तुमने मुझे पराया कर दिया। कैसी बहकी बहकी बातें किए जा रहे हो? बताओ तो मुझे हुआ क्या है, बोलो। ये हुआ है, तुम दोबारा शादी कर रही हो। What? ये कैसे हो सकता है? और तुम्हें कैसे मिला ये? दासानी इसी मैट्रिमोनियल साइट का मेंबर है, उसे मिला तुम्हारा प्रोफाइल। अरे पर किसी मैट्रिमोनियल साइट पे मैं अपना प्रोफाइल क्यों अपलोड करूंगी राज? मेरा ना वीवी शूट अप हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा सुनो, काम डाउन। तुम्हें घबराने की या रोने की जरूरत नहीं है बंधु रानी। मैं जानता हूँ ये तुमने नहीं किया है, जरूर कोई गड़बड़ या गलत फहमी हुई है, लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल इस वेबसाइट पर अपलोड हुई कैसे? मेरी सहेली है ना अमरनगर की, सुमित्रा, उसकी बेटी है दीपाली। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे ना उसका प्रोफाइल रजिस्टर करना है। सुमित्रा आंटी? कौन सुमित्रा आंटी? वो माँ की अहमदनगर वाली दोस्त। उनको ना अपनी बेटी दीपाली का प्रोफाइल ये मैट्रिमोनियल साइट पे रजिस्टर करना था, तो उनको समझाने के लिए मैं बिजी थी ना, तो अपना वो पुराना प्रोफाइल ऐसे सैंपल के तौर पे भेज दिया था। अच्छा ओहो, अब समझा मैं। मतलब ये सारा इशू सुमित्रा आंटी की वजह से हुआ है, तो हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। हेलो हेलो, एम आई स्पीकिंग टू वंदना जी? हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? गुड इवनिंग वंदना जी, मैं विक्रांत देव बोल रहा हूँ जी, नोएडा से। वैसे ओरिजिनली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वंदना जी, आप तो मेरी जिंदगी बना सकती हैं जी। जब से मैट्रिमोनियल साइट पे आपका प्रोफाइल देखा है ना, तब से मेरी तो नींद ही तोता हो गई सी। और वंदना जी, मुझे तो आपको देख के लगता है जैसे रब ने बना दी हमारी जोड़ी जी। नहीं नहीं नहीं, आज नोएडा से फोन आ रहा है किसी का मैट्रिमोनियल साइट पे, वो प्रोफाइल देख के बात करो ना। हेलो भाई साहब। हेलो जी। हेलो, आप वंदना जी के भाई साहब बोल रहे हैं? नहीं, मैं भाई साहब नहीं हूँ, मैं पति साहब हूँ। हैं जी? वंदना जी शादीशुदा है, मेरी पत्नी है और हमारे 2 बच्चे हैं। कमाल है जी, अभी अभी रिश्ता आया, अभी अभी शादी हुई और इतनी जल्दी 2 बच्चे भी हो गए। ये तो इंटरनेट पे गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया जी। ऐसे आप बड़े मजाकिया हो साले साहब। साले? अरे कोई गल नहीं, हम भी बड़े मजाकिया हैं। देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, गलती से मेरी बीवी की प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर अपलोड हुई है। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, वो पूरी तरह से गलत है। आप फोन रख दीजिए, रॉन्ग नंबर। और एक रिश्ता है तुम्हारे लिए। नहीं मैं ऑफ कर दूं। नहीं, एक काम करो, फोन तुम अपने पास रखो, मैं बात ही नहीं करूंगी किसी से, तुम बात कर लेना ठीक है। हेलो हेलो, वन्ना जी छे? वन्ना जी नथी, कौन तमे? रुपेश बोलू छु। वंदना जी दाढ़ी करे छे। कया प्लेट थी? अरे शादीशुदा है वंदना, आप वीडियो कॉल कीजिए, मैं बच्चे भी दिखाता हूँ उसके। रख दो फोन। सुमित्रा एक मिनट, सुमित्रा तेरा दिमाग क्या चटनी पीसने गया है?
तेरी बेटी के प्रोफाइल के साथ तूने मेरी बहू का प्रोफाइल रजिस्टर कर दिया? सॉरी राधिका, वो दीपाली कह रही कि उसने अपने प्रपोजल के साथ तेरी बहू का प्रोफाइल भी सेंड कर दिया गलती से, और उस समय मैट्रिमोनियल साइट पर फ्री रजिस्ट्रेशन की स्कीम चल रही थी, तो तेरी बहू का भी नाम रजिस्टर हो गया। अब तेरी बेटी की गलती की वजह से मेरी बहू का प्रोफाइल वायरल हो गया है। अरे सुबह से अब तक 400 फोन आए होंगे रिश्ते के लिए। कमाल है, मेरी बेटी के लिए अभी तक एक भी कॉल नहीं आया। राधिका तू ऐसा कर, तेरे पास जितने कॉल आए सबको मेरी बेटी का नंबर दे दे। हाँ, मुझे कोई और काम ही नहीं है, यही करती बैठू। तुझे मदद करने गए तूने परेशान करके रखा है। हेलो, नहीं 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 नहीं, मैं वंदना जी का पति बोल रहा हूँ। वंदना जी शादीशुदा है। जी हाँ, वो गलती से उसकी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपलोड हुई है। प्लीज फोन रख दीजिए। डैड, आप मम्मी का फोन स्विच ऑफ ही कर दो ना। हाँ। नहीं नहीं, स्विच ऑफ नहीं कर सकते, पटना से इम्पोर्टेंट कॉल आना है मेरा। बोलो, पटना से भी आने वाले रिश्ते। आई थिंक इस सारी गड़बड़ की वजह राधिका तुम ही हो। यू थिंक नहीं, मैं ही हूँ। वंदना, I'm really sorry, सच्ची बहुत sorry sorry। ये देखो, वंदना तुम्हारे लिए रिश्तों की बारिश रुक ही नहीं रही। 25 लोगों को तो मैं अब तक ना कह चुका हूँ, फिर भी फोन बज रहा है। वाव, यानी मम्मा को एक से बढ़कर एक ऑप्शन पे ही ऑप्शन आ रहे हैं। डैडी, मतलब मम्मा अभी भी डिमांड में है? अरे मम्मी है ही इतनी खूबसूरत कि उसकी तस्वीर कोई देख ले तो आवारा पागल दीवाना हो जाए। है? हो गया राज? नहीं, मतलब सच कह रहा हूँ। डैडी, ज्यादा रोमांटिक मत होइए, प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। क्या मतलब? जरा सोचिए, अगर मम्मी की फिर से शादी होगी तो फिर मेरे होमवर्क का क्या होगा? आपके अलार्म कौन सेट करवाएगा और सुबह सुबह खाना कौन बनाएगा? All is well. राज, होश में हो? यूटर्न मारो अपने ख्यालों से। सब मेरी वजह से हुआ है। दक्कू भाई का फोन है। कट कर दो ना मॉम। हाँ। काटा है तो मैसेज भेज दिया उन्होंने। वंदना भाभी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। साई दर्शन हाइट सोसाइटी का सेक्रेटरी आपके साथ प्रण लेता है कि चाहे कुछ भी हो, मैट्रिमोनियल वेबसाइट के साथ मेरी भी आपके लिए बेहतरीन दूल्हे की खोज है जारी। वंदना भाभी, सच कहूं आप तो देवी हैं, नहीं है कोई साधारण नारी। प्रण ने इसका तो प्राण लेने चाहिए। राज, इसका मतलब है ये बात सोसाइटी में फैल गई है, किस किस को जवाब देंगे हम? नहीं, हम किसी को कोई जवाब नहीं देंगे। तुम पहले फोन स्विच ऑफ करो, हमें ना शांति चाहिए। साई बाबा प्लीज। अब चलो। हाँ। राज, चाय पी लो, सरदर्द ठीक हो जाएगा। बंधु, मैं जानता हूं कि तुम्हारा प्रोफाइल गलती से अपलोड हुआ है, गलती से वायरल हुआ है, और ये भी जानता हूं कि कुछ ही दिनों की बात है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भी तुम्हारे फोन की घंटी बजती है ना, तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, फिर सर चकराने लगता है कि कहीं कहीं तुम्हें मुझसे कोई चुरा के ना ले जाए। मम्मी डैडी, गुड न्यूज़ है, आपके इस वायरल प्रोफाइल को खत्म करने की एंटीवायरस हम दोनों ने ढूंढ ली है। रियली? क्या किया तुम दोनों ने? डैड, हमने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मम्मा के गलत प्रोफाइल वायरल होने की कंप्लेंट कर दी, और उनकी ईमेल आईडी पर मम्मी की जो वायरल प्रोफाइल है उसके वजह से मुझ जैसे नाबालिग बच्चे को, मेरी बहन को, मेरी मम्मी को
मेरे डैडी को कितना मेंटल ट्रॉमा और स्ट्रेस से गुजरना पड़ा, इसलिए मैंने सारी डिटेल लिखकर मानहानि का केस करने की भी धमकी दी है। बाप रे, ओके, तो क्या कहा उन्होंने? सॉरी डैड, अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। राज, फिर से अननोन नंबर से फोन आ रहा है। अब तो ना मिस। हेलो, देखिए वंदना शादीशुदा है और खबरदार अगर ओके। हाँ 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 ओके। कौन था? मैट्रिमोनियल वेबसाइट वालों का फोन था। सखी और अथर्व का मेल उन्हें मिल गया है। उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि तुम्हारी प्रोफाइल बिना वेरीफाई किए बिना रीचेक किए अपलोड हो गई थी। नो, दे अपोलोजाइज और श्योरिटी दी है कि तुम्हारी जो प्रोफाइल है वो वेबसाइट से तुरंत विड्रॉ कर रहे हैं और ये फोन आने भी बंद हो जाएंगे। थैंक गॉड, बस ये भयानक नाइटमेयर खत्म हो। राज, मेरे में ना खाना बनाने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, प्लीज बाहर से ऑर्डर कर ले। यस। कोला। कोला खाएंगे। मम्मी, डैडी, डिनर आ गया। मम्मा, आपको फिर से एक प्रपोजल आया है। सी? नहीं देखना है मुझे, डिलीट कर और फोन बंद कर। मम्मी, एक बार प्रपोजल तो देख लो, मुझे पसंद आया, अगर आपको नहीं पसंद आया तो डिलीट कर देना। मैं खुद ही डिलीट कर दूं। नाम राजेश वागले, उम्र 43 इयर्स, हाइट 5'11". मेरी एक शर्त है, मेरी होने वाली बीवी का नाम वंदना ही हो, जिसे मैं प्यार से वंदू रानी कह सकूं। प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा। विल यू मैरी मी मिस वंदना? क्या अब भी इस प्रपोजल को डिलीट करोगी? सेनोरिता? राजेश बाबू, आपके इस प्रपोजल को तो मैं अगले 7 जन्मों तक अपने दिल पे लिख के रखूंगी। अच्छा वंदुरानी, इस वाइल्ड वायरल दौड़ती भागती हांफती वेब वर्ल्ड की डिजिटल दुनिया में एक बात बताना तो मैं भूल गया। क्या? I love you. I love you too. गलती से फैले शादी के प्रपोजल से गहरा हुआ रिश्ता पति पत्नी का। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.